नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, सागर टाइम्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। पेश है आज सागर में दिन भर की खबरों का फास्ट बुलेटिन। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सागर त्योहारों को लेकर गोपालगंज थाना प्रभारी उपमा से ने पुलिस बल के साथ निकाला है पैदल मारों से। समय पर दुकान बंद करने की अपील भी की है। सागर जिला भाजपा कार्यालय में संभागीय बैठक संपन्न हुई है। पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा व समर्पण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। वहीं जिले में 12 सितंबर को एक दिन में 2.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक 780 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सागर रेलवे ने सागर में प्लेटफार्म टिकट 30 से घटाकर 20 रुपये कर दिया है। बढ़ते कोरोना संकट काल के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अब प्लेटफार्म टिकट का रेट जो है घटा दिया गया है। चौराहे पर नगर पालिका द्वारा बनाया गया वर्टिकल गार्डन देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में गमले जमीन पर गिर रहे हैं। जी हाँ, वैसे के बाहर चारों तरफ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए बस स्टैंड का निर्माण और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सागर की ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए विधायक शैलेंद्र जैन, एसपी आयुक्त ने पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली है, जिसमें 10 सीए निगरानी टीम बनाई गई है जो कि ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी होगी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर सागर शहर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मद्देनजर आज नगर निगम ने जगह जगह करवाया है दवाई का छिड़काव, चलाई जा रही है फॉगिंग मशीन। कटरा क्षेत्र में निगम बस सड़क से हटाए गए हैं वाहन। विधायक के साथ बैठक के बाद रविवार को इसका पूरा असर देखने को मिला है। तो ये थी सागर की आज की प्रमुख सकारात्मक खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।